हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? शॉर्ट डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एग्ज़ाम में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ओ लेवल की सीरीज चल रही है, ये इंटरनेट की, इंटरनेट सब्जेक्ट है। IIT2 में पहले पढ़ा चुका हूँ। आपको अगर ओ लेवल कर रहे हैं तो आपको ये वीडियोस सारे देखने चाहिए, आपको सारे वीडियोस देखने चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से हिंदी में वीडियोस बनाई हैं, सारे नोट्स हिंदी में। आप नोट्स देख कर लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में वैसे ही छाप सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से हिंदी में एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिस पर दूसरे वेब पेज या किसी और टेक्स्ट पर जाने का लिंक लगा रहता है। और इस शब्द की खोज क्या की थी, 1965 के आसपास टेड नेल्सन नाम के व्यक्ति ने की थी। हाइपरमीडिया में टेक्स्ट के स्थान पर चित्रों, ध्वनि या वीडियो पर लिंक लगा रहता है। नोट क्या है, हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया एक सिद्धांत है, तो इसे समझ लीजिए। हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिस पर क्या होता है, दूसरे वेब पेज या किसी और टेक्स्ट पर जाने का लिंक लगा रहता है। ये हो गया हमारा शॉर्ट डेफिनेशन, मतलब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनता है। हाइपर टेक्स्ट में किस चीज़ पर दूसरे पेज पर जाने का लिंक लगा रहता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप किस पर क्लिक करेंगे, हाइपर टेक्स्ट पर। इस शब्द की खोज किसने की थी, 1965 के आसपास टेड नेल्सन ने की थी। ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपका। हाइपर मीडिया में टेक्स्ट के स्थान पर चित्र, ध्वनि या वीडियो पर लगा रहता है। ये तो हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ द वेब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।